पहले मुझे ऐसे शर्म आता था कि मैनिफेस्टिंग फॉर यू गाइस प्रॉमिस देम कि आई हैव स्पेंड द होल डे विद हिम लोग की घर पे रह के सेलिब्रेट करने वाले पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड मूवी है हैप्पीएस्ट ईयर Hi everyone, namaste. This is Tanya Ghosh and you are watching my YouTube channel. आज है साल का last day 2023 was the happiest year of my life क्योंकि this year was the बात पक्की year of mine and Vivek. If you have seen my shorts, you could relate it. So basically, we got engaged in this year and it has been an amazing journey as engaged couple. It's very new to us and we have been enjoying this phase a lot. We wanted कि ऐसे ही हो एंगेजमेंट और शादी में थोड़ा सा डिफरेंस हो कुछ महीनों का ताकि हम ये एंगेजमेंट फियांसे वाला फेज भी एंजॉय कर सके वी ऑल्सो हैड आर ओन फेयर शेयर ऑफ फाइट्स एंड घर पे भी आई हैड माई पर्सनल इश्यूज करियर वाइज भी बीन एट द एंड ऑफ दिस ईयर सब कुछ अच्छा जा रहा है एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर माई वेडिंग बट फॉर द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर आई कुड हैप्पीली से जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी हुआ ऐसे ही होना था वरना आई कुड हैव मिस्ड समथिंग सो इट वॉज ऑल गुड एंड इस साल को हम सेलिब्रेट करने के लिए आज हम घर पे बना रहे हैं चिकन बिरयानी सो ये मेरी मम्मी का रेसिपी है एंड मैंने उनको फ़ोन करके कल पूरा रेसिपी लिख लिया है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट एंड शी इज़ अ प्रो इन दिस काइंड ऑफ बिरयानी वैसे तो मुझे कुकर वाली बिरयानी बहुत अच्छे से बनाने आती है बट माई डैड लाइक्स दिस वन मोर क्योंकि इसका मसाला बहुत डिफरेंट होता है नॉट द यूजुअल चिकन मसाला एंड हम बहुत ही लो की घर पे रह के सेलिब्रेट करने वाले क्योंकि हमें न्यू ईयर घर पे अपने लोगों के साथ टीवी देख के कुछ अच्छा खा के सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद है rather than going out for party. So this day is going to be full of gratitude and love. So let's start the day. अब मैंने चिकन का मसाला भिगा के रखा है Now I have to start all the preparations. बाबा गए हैं बाजार कुछ सामान लाने के लिए Meanwhile, जब तक वो आते हैं हम बिरयानी का थोड़ा और तैयारी कर लेते हैं और जब वो आएंगे तब हम ब्रेकफास्ट करेंगे This is my breakfast. Overnight oats with pomegranate. And the egg poach or garam pani. The wine water. Chicken masala. हमने 9 बजे से बिरयानी बनाना स्टार्ट किया और अभी बज रहा है 11:15 इतना टाइम लगा मैं और पापा दोनों मिलके बनाए मज़ा आया अब हम कुछ मूवी ढूंढेंगे कुछ मूवी देखते देखते फिर बिरयानी खाएंगे फिर विल टेक आफ्टरनून नैप लंच वगैरह करके हम मूवी देख रहे थे 83 पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड मूवी है बहुत ही अच्छी मूवी थी मुझे तो बहुत अच्छी लगी वैसे तो मुझे मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवीज अच्छी लगती है जैसे आज का दिन इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद माय डैड बिकॉज बहुत दिन से वो बोल रहे हैं आके मेरे साथ बैठो थोड़ा बैठो कल शाम को भी बोल रहे थे कल भी मुझे बहुत काम था आई वॉज रैपिंग अप एवरी थिंग तो आई प्रॉमिस दिम कि आज पूरे दिन मैं उनके साथ रहूँगी एंड आई विल स्पेंड एज मच टाइम एज आई कैन आई विल नॉट वर्क एक्सेप्ट फ्रॉम व्लॉगिंग बाहर चलते हैं पापा शायद गार्डन में पानी वगैरह दे रहे हैं तो लेट्स गो आउटसाइड एंड सी व्हाट ही इज डूइंग बेला वांट्स टू गो सॉरी बेला को बाहर जाना है वॉकिंग के लिए बट मेरा बिल्कुल मन नहीं आज नो चलो 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 सो मैं और बेला फाइनली बाहर आ ही गए क्योंकि बेला बहुत तंग कर रही थी उसको बाहर जाना था एंड मैं सोची फिर थोड़ा सा ऐसी साइड से घुमा कर लाते हैं इसे इसका सुसु और पॉटी हो जाएगा अभी बस 10-15 मिनट मैं इसे घुमाऊंगी आज प्रॉपर वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा छुट्टी का मन है और वैसे भी आज संडे है तो संडे हम छुट्टी लेते हैं वर्कआउट नहीं करते हैं आई काइंड ऑफ मिस मॉम ऐसे सब इवेंट्स में लास्ट ईयर वो थी तो हम बारबेक्यू वगैरह किए थे घर पे छोटा सा पार्टी किए थे आई ऑलवेज लव स्पेंडिंग न्यू ईयर एट होम एकदम बचपन में जब थे तब हम पिकनिक वगैरह जाते थे
नो बेबी कम। बंगाली में इसको बोलते हैं लोखी में हवा। दैट मीन्स पूरा इवनिंग का सब कुछ कर लो, नहा धो लो, बाल ऐसे चोटी बांध लो एंड देन डू योर स्किन केयर या जो भी है, इसको बोलते हैं लोखी में हो जावा। अकॉर्डिंग टू माय मॉम पूजा वगैरह भी हो गया। नाउ मी एंड डैड आर गोइंग टू फाइंड अ गुड मूवी, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि पापा ने सारे मूवीज देख लिए, ठीक है, जो भी आता है पुराना नया डब्ड एवरीथिंग, तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ गुड मूवी। नाउ हम पहले मूवी ढूंढेंगे, देखते हैं क्या मिलता है, एंड देन बिरयानी को थोड़ा सा दम में रखना है और, क्योंकि चावल हल्का सा आई थिंक और ज़्यादा हो सकता था, बट टेस्टी तो बना है, नॉट लाइक माई मॉम, मम्मी जैसे बनने में भी बहुत साल लग जाएंगे, बट अच्छा बना है। वी फाउंड सम मूवी, पता नहीं कैसा है, देखते हैं। परेश रावल है तो कुछ होप है इससे। की मूवी नाम दिस इज शास्त्री विधु विरुद्ध शास्त्री। मूवी तो पूरा देख लिया हमने, अच्छी मूवी थी यार, बहुत इमोशनल थी, रो रो के हाल बेहाल हो गया है मेरा। पहले मुझे ऐसे शर्म आता था कि मूवी देखते देखते अगर रोती हूँ तो मैं फटफट ऐसे छुपा के ही पोंछ लेती थी कि कोई देखे ना और मेरा मजाक ना उड़ाए, बट नाउ आई डोंट केयर, इट्स ओके, आप मूवी देखते हुए रो रहे हो तो इट्स फाइन, और इमोशनल भी होता है, अच्छा था मूवी, यू कैन ऑल्सो वॉच, बट आई एम समबडी हु लाइक्स एंजॉइंग वाइल वॉचिंग अ मूवी, लाइक चिल टाइप हो, जैसे पुराना टाइम का नहीं होता था मैं प्रेम की दीवानी हूँ, हलचल, चोरी चोरी, चुपके चुपके, एंड देन मस्ती, आई लाइक दोज काइंड ऑफ मूवीज जहाँ ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और हंस हंस के मज़ा आए, और क्लीशे बॉलीवुड ओल्ड मूवीज़, आई मिस दोज काइंड ऑफ मूवीज़ व्हेन डेज वेर सिंपल एंड थिंग्स वेर सिंपल। और जब भी ऐसे इमोशनल मूवीज़ देखती हूँ मेरा रो रो के बहुत ही हालत ख़राब हो जाता है, बट एनीवेज आज का दिन बहुत अच्छा था, मज़ा आया पापा के साथ, आई हैव स्पेंड द होल डे विद हिम, उनको भी अच्छा लगा, मज़ा आया। अब देखते हैं कल नया साल है, लेट्स सी कि नए साल में क्या क्या थिंग्स अनफोल्ड होने वाली है। आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर यू गाइज ऑल्सो, होपिंग कि आपके लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा चले, एंड आई एम सेंडिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो, एंड इफ यू डिड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसा लगा, ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी, एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज टुमारो, टिल देन बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर।